ठीक है मतीन, आ जाओगे वापस अकेले कार? ठीक है बकर भाई, इनके आपने बाल काट देने हैं अच्छे करके। बंदे नीचे से ही गुजर रहे हैं, पुल का कोई फायदा ही नहीं है। क्या बात है, ये इधर अभी भी काम शाम जारी है सारा भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग, और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल एम तैमूर आबिद। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो भाई साहब मैं जा रहा था, एक दो काम है वो करने, तो भाई मतीन साहब हैं जी, इन्होंने बोला है कि मुझे ना आपने छोड़ के जाना है नाई के पास, मैंने बाल कटवाने हैं। तो भाई जान ये मतीन साहब हैं जी, इनको आज स्कूल से थप्पड़ पड़े हैं कि कल बाल कटवा कर आने हैं। हाँ जी, कितने थप्पड़ पड़े हैं आज? दो थप्पड़ लगे हैं आराम से लगे हैं। यार बड़ी शर्म की बात है बहरहाल है। ये तुमने शाहरुख खान की तरह बाल रखी हुई है यार, कुछ शर्म किया करो। कितने दिन बाद स्कूल गए हो आज? आज हफ्ते बाद। और फिर भी लग गई है, किस बाल कटवाने की वजह लगी थी ना? उन्होंने पूछा नहीं है क्यों नहीं इतने दिन आए? बाल और बूट और ये बेल्ट और डायरी, ये कोई चीज नहीं थी तुम्हारे पास आज? तो करने क्या गए थे स्कूल? पढ़ने गया था। पढ़ने गए थे, हर चीज साथ लेकर जाते हैं। चलो जी यार, मतीन है ना आज गया तकरीबन कोई 15 से 20 दिन बाद गया है स्कूल, तो ना डायरी लेकर गया ना बेल्ट वगैरह, बाल भी नहीं कटवाए थे। तो टीचर ने बोला भाई कल बोल तैयार होकर आना, जिसने अभी जाना है बाल कटवाने, तो ये भाई साहब मैं इसको छोड़ के ना चला जाऊंगा अपने काम। तो चले मतीन साहब, चलो जी चलते हैं जी। तो भाई जान अभी हम लोग पहुँच आए हैं जी बाल कटवाने, मतीन साहब इधर बिठा दिया है। ठीक है मतीन, आ जाओगे वापस अकेले कार? ठीक है बकर भाई, इनके आपने बाल काट देने हैं अच्छे करके, ठीक है? तो ये खुद ही वापस घर आ जाएगा, लेकिन याद रखना है जो बाल मैंने बोले ना वही काटने हैं, टेंड नहीं करनी बस आपने, नहीं तो ना 3 दिन हालात खराब हो जाएंगे मेरे। ठीक है मतीन, मैं जा रहा हूँ, फिर आ जाना बाल कटवा कर। तो भाई साहब बोल दिया मैंने, और इस टाइम जा रहा हूँ क्या कहते हैं काम जाना, एक दो चलते हैं भाई जान उधर ही। यार मैं अभी पहुँचा हूँ दोस्त के पास, नहीं मुल्ला के पास, उसके काम देखो जी, बच्चों वाले काम कर रहे हैं अभी भी भाई साहब। ये पबजी खेल क्या ये? भाई मारो मुझे, मारो पबजी वगैरह। यार अभी तुम बच्चे हो? नहीं मैं हार गया हूँ ना, उन्होंने हार गए हो, काट दिया मुझे। यार बड़े अफसोस की बात है, और माइनस 2 साल हमें हो गए छोड़े हुए ये भाई साहब, अभी उन्होंने मुझे काट दिया। क्यों काट दिया? पता नहीं उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा दफा हो जाओ, हमारा कोई काम नहीं है पार्टी में। हैं ठीक है, बच्चों को खिलाया करो, क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? बस ठीक है। ये पबजी नहीं खेलनी आपने, ठीक है? ये गंदे बच्चों का काम होता है। खेलोगे? अच्छी बात है यार, नहीं क्या खेलते रहो। तो भाई साहब चले शाहजी, किधर चले? यार इधर काम जाने बाजार में एक दो, तो उधर चलते हैं। चलो ठीक है फिर चलते हैं, चलते हैं। चलो जी चल। हाँ जी भाई साहब, रास्ते गुजर रहे थे तो यार आपको चीज दिखाते चले कि हमारे शहर में एक नई चीज का इजाफा हुआ है, वो है जी ये देखे जी ना, ये बना है वो वॉक थ्रू पुल होता है, ये पैदल चलने के लिए जगह, और इफ्तिताह हो गया जी, औरस वालों ने किया इफ्तिताह। वाह जी वाह, क्या बात है जी, अभी पूरा बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ, ये इफ्तिताह कर दिए इन्होंने। तो ये हमने सोचा है यार, हमने सोचा है कि आज हम भी इफ्तिताह कर देते हैं। चले शाह जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हर चीज़ नीचे गिरी है हमारे जिधर चढ़े हैं। तो भाई साहब हमने क्या, हम इफ्तिताह कर रहे हैं जिधर, सब इफ्तिताह कर रहे हैं। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? देखो आप लोगों के लिए खिदमत किया, टिकटॉकरों के लिए पुल बन गया इधर, ठीक है? ये बूढ़ों के लिए भरपूर ख्वाहिश टिकटॉकरों की, और आवाम गुजरना नहीं है इधर से, फजूल बनाया इन्होंने, इसका कोई फायदा नहीं आवाम को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इतना रश होता नहीं है कि वहाँ वैसे गुजर जाती है। और देखिये बच्चे, देखे जी सारे खेलने के लिए आए हुए है। हाँ जी बच्चों क्या हाल है, ठीक ठाक हो? कैसा लगा पोल फिर ये? अच्छा लगा, ठीक बना? अच्छा जी, तो हम सोचा यार इधर आकर ना थोड़ा सा कर लेते हैं हम भी, आपको इधर से व्यू दिखाते हैं भाई साहब। वाह जी वाह, व्यू तो अच्छा आ रहा है, लेकिन टिकटॉकरों के लिए आएगा अच्छा व्यू और भी।
लोग देख रहे हैं यार, नई चीज बनी है, ठीक है, पहली दफा बने बाकी आवाम आ रही है, धड़ा धड़ शोल मेला लगा रही है। इधर से दिखाते हैं जी आपको थोड़ा सा व्यू, और वो है जी सामने मॉडल बाजार, ठीक है, और ये है जी जहाज चौक से मशहूर है ये जगह, ठीक है। और शाह जी, हाँ जी, क्या हालात वाकियात है? पोल हालात वाकियात नहीं है, अरे काम जारी है। अच्छा, हाँ, बना दिया, लेकिन फिर भी बंदे जो है ना वो नीचे से ही गुजर रहे हैं, बंदे नीचे से ही गुजर रहे हैं, पुल का कोई फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। क्या बात है, ये इधर अभी भी काम शाम जारी है सारा भाई साहब। तो बच्चे यार कब तक पूरा हो जाएगा ये? कल तक हो जाएगा, ठीक है, चलते हैं जी यार हम लोग। वो आपको सच एक चीज दिखानी है और भी यार, हाँ आपको दिखाते हैं एक चीज, बादशाह पुल मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन ना लोगों ने देखे जी फ्लैक्स वगैरह लगा दिए इधर ही, ये उनके लिए अच्छी जगह बन चुकी है सर, ये भी ये देख सारा लग चुका है इधर भी, इसी काम के लिए इन्होंने पुल बना दिया। बड़ा हरामी हो बेटा, हाँ स्पेशली इसी काम के लिए। तो भाई साहब इस वक्त इधर और कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ये काम जहाज जहाज जो है ना जहाज वो इधर स्टे करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है, उस पर पैनाफ्लेक्स लगेंगे, जो सिमे बेचते हैं उनके लिए जगह बन गई है, रेड़ियाँ लगेगी फ्रूट वाली, और पैदल चलने वाले जो हैं वो वहाँ से ना सीधे क्रॉस कर लेंगे, देखने अभी भी इतना रश नहीं होता, बस इन्होंने बना दिया है जी। तो भाई साहब चाय शाय पीने आए हैं, ये दो साथ हैं मोला, इनको मैंने कहा आपको चाय पिलाते हैं बादशो जी, हैवी वाली चाय है, और साथ जो हमारे कंपनी देने आए हैं, हमारे साथ कंपनी देने आए हैं जो भाई वो हैं जी गनफर भाई हैं, तो चाय वगैरह पीते हैं, मगर होने वाली है, उसके बाद जाना है घर, मिलते हैं जी फिर आपको घर जा। तो मैं जी अब इस टाइम घर वापस आ चुका हूँ, तो अभी कहने लगा हूँ जी व्लॉग को एंड, तो भाई जान वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।